चलो आज सबको पढ़ाएंगे कि इंग्लिश में जो है सो कैसे पढ़ना है, कैसे वर्ड का उच्चारण करना है, आज हम सबको बताएंगे। बात समझ में आ गया? Yes, तो चलो सबसे पहले शुरू करेंगे कि ए डबल एल है, तो ए डबल एल को हम ऑल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? All. तो ए डबल एल ऑल ऑल है, तो हम यहाँ पे अगर सी लिख देंगे, सी से क होता है, क्या होता है? क। तो के ए डबल एल, तो क्या हो जाएगा? एल लगा देंगे तो यहाँ पे देखो एफ लगा दिया है, तो क्या हो गया? हॉल हो गया। क्या हो गया? हॉल। यहाँ बी है तो बी से बॉ न हुआ, ए डबल एल तो ऑल, तो बॉल न हो गया। उसके बाद टी लगा दिया है तो टॉल, एच लगा दिया है हॉल, एच से हॉल, ए डबल एल तो हॉल। क्या हो गया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ए आर एम। अब पहले ये समझ लो कि ऑल का मतलब क्या। ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल का मतलब सभी। ऑल का मतलब सभी। अगर हम यहाँ पर बोलेंगे कि सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों, तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ऑल स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? ऑल स्टूडेंट्स। ऑल का उपयोग हुआ यही ऑल का, ए डबल एल। अब समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ए आर एम। आर्म इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्म। अगर ए लगा दिया ए आर एम, तो एफ लगा देंगे, तो एफ से फ हुआ तो फार्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे फार्म लगा दिया है, एच एच लगा दिया तो हार्म, ऐसे हो ना। अरे इंग्लिश में सबको आता है ना, हार्म हो गया। उसके बाद डब्ल्यू से वो होता है तो क्या हो गया? वार्म। क्या हो गया? सी एच से च होता है तो क्या हो गया? चार्म। क्या हो गया? चार्म। अगर टी लगा देंगे ए आर्म लगा देंगे तो टार्म। समझ गया बात? टार्म हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ए आर के। आर्क पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? आर्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्क। ठीक है ये दोनों। तो अगर बी लगा देंगे तो बी से ब हो गया तो बार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर एम लगा दिया तो मार्क हो जाएगा। मार्क का मतलब क्या होता है सो समझ लो। कुछ ऐसे भी सवाल है जो पहले मतलब बचपन होता है तुम लोगों का, तब नहीं बता पाते, नहीं बताना चाहता है। उसके बाद धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ता है तो उसका क्लास बाय क्लास पढ़ता है। जैसे कुछ ऐसा सवाल है मार्क, जैसे यूकेजी में मार्क था तो मार्क हम यूकेजी में पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है। वन क्लास में पढ़ा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 आगे पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्क जो है सो एक बेसिक से उठ करके आगे आता है, इसलिए हम वन क्लास में पढ़ाते हैं। कुछ ऐसा भी सवाल है जो वन क्लास में पढ़ता है, कुछ ऐसा सवाल है कि टू क्लास में पढ़ाएंगे, कुछ ऐसा सवाल है कि 3 में 4 में, ऐसे होता है। ठीक है चलो। तो मार्क का मतलब क्या हुआ? कोई चीज का रिजल्ट आता है तो उसका कितना मार्क आया, मतलब उसका कितना नंबर आया, उसका कितना उसका रिस्पांस आया है, उसको बोलेंगे मार्क। क्या बोलेंगे? जैसे तुम्हारा परीक्षा दिया था ना, तो तुम्हारा जो मार्क था, रिजल्ट आया था फाइनल एग्जाम, कितना मार्क हुआ था? 593। तो ये हो गया 593, उसका क्या हो गया? मार्क हो गया। क्या हो गया? किसका मार्क हो गया? परीक्षा का मार्क हो गया। तुम इतना मेहनत किया है वो मार्क हो गया। समझ गया बात? आगे बढ़ गया। इसके बाद है ई एन डी, इसको इंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंड। अगर बी लगा देंगे तो इंड। यहाँ पे देखो एल लगा देंगे तो लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैंड। एम लगा देंगे तो लैंड हो गया। थोड़ा कहीं कहीं ऐसा वर्ड होता है जो उसको थोड़ा अर्थ थोड़ा अलग से बोलना पड़ता है। किसी को दिक्कत है? आगे हो गया चलो। उसके बाद है ई ए टी। ईट इट मीन्स खाना। खाना इट मीन्स खाना। तो इट मीन्स खाना हो गया। यहाँ पे बी लगा देंगे तो बीट पढ़ेंगे, जिसे ब होता है ना, तो बीट पढ़ेंगे। किसी को दिक्कत है? और उसके बाद एम लगा देंगे तो मीट मीन्स क्या हो जाएगा? मांस। मीट मीन्स मांस। हम किसी भी चीज का मांस हो सकता है, जीव का खाली, जो सांस रहता है, जो जिंदा है, उसका ही मीट होता है। सपोर्ट के लिए मान लो अगर मानव का मांस तो मांस हो गया मनुष्य का मांस, जानवर का मीट तो जानवर का मांस। समझ गया बात? पक्षी का मीट तो पक्षी का मांस। अब समझ गया? उसके बाद है सी एस से च होगा, ई ए टी है तो चीट होगा। क्या होगा? चीट। क्या होगा? चीट। चीट मतलब होता है धोखा, जैसे किसी को अगर धोखा दे दिया तो चीट कर रहा है, मतलब तू चीट कर रहा है हमसे, मतलब तुम हमसे झूठ बोल रहा है, तू हमसे धोखा कर रहा है, इसका मतलब चीट हो जाएगा उसका मतलब। किसको दिक्कत? किसी को दिक्कत है? उसके बाद आगे होगा एफ ई ए टी, द फीट। एम मीट हो गया। चलो ठीक है, हो गया ये भी हो गया। उसके बाद है
ईयर ई ए आर ईयर ईयर मीन्स ईयर मीन्स ईयर मीन्स कान कान से क्या करते हैं सुनते हैं। अब मांगा अब यहाँ पे हम बी लगा देंगे तो बी से ब हो गया बियर ई ए आर तो ईयर बी लगा देंगे तो के लगा देंगे तो सी लगा देंगे तो केयर केयर यहाँ पर केयर पड़ेंगे समझ गया बात। उसके बाद है अगर एफ लगा देंगे तो फियर अगर वहाँ पे टी लगा देंगे तो अगर वहाँ पे वाई लगा देंगे तो ईयर 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 होता है ईयर मीन्स वाई ए आर ईयर मीन्स साल होता है ये हम ईयर मीन्स होता है ईयर मिस करना ना होता है ई ए आर ईयर मिस कर ठीक है। उसके बाद है इल आई डबल एल इलमिस इलमिस पहले तुम लोग को हम बताए थे इलमिस बीमार आप बता रहे हैं इलमिस भी बीमार होता है और सिकनेस भी बीमार होता है सिकनेस मीन्स बीमारी या बीमार भी होता है आगे चलो। उसके बाद अगर एच लगा देंगे तो टिल एफ लगा दिया एम लगा दिया बी लगा दिया समझ गया किसको दिक्कत है नो सर। इसके बाद है आइस ई आइस इसको पढ़ेंगे आइस क्या पढ़ेंगे आइस मीन्स ठंडा होता है क्या होता है ठंडा बर्फ ठंडा होता है ना आइस दो मतलब मुझे बर्फ दो मतलब ठंडा दो बस समझ गया। कूल मीन्स भी ठंडा होता है क्या होता है कूल मीन्स अगर मान लो एन लगा दिया था एन आई सी ई नाइस क्या हो गया नाइस का मतलब क्या होता है अच्छा क्या होता है अच्छा गुड का मतलब अच्छा यही बात है। पहले तुम लोग को क्या पढ़ाते थे हम गुड अब क्या पढ़ाएंगे nice. दोनों पढ़ाएंगे हम एक ही टाइम पढ़ाएंगे दोनों पढ़ाएंगे तो पहले क्लास में तुम लोग का गुड ही था गुड तक सीमित था अब तुम लोग का आगे पढ़ाएंगे तो नाइस हो जाएगा समझ गया बात yes, उसके बाद अगर पी आई सी तो पाइस समझ गया एम आई सी ई तो माइस एच आई सी तो हाइस एन आई सी ई तो नाइस समझ गया बात किसी को दिक्कत एक बार पूरा पढ़ना है उसको बोलो ए डबल एल को हम ऑल पढ़ेंगे तो ऑल हेलो सब ऑल बॉल बॉल हॉल हॉल टॉल टॉल हॉल हॉल आर्म आर्म हार्म 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 फ्रेश बोलो देखो हार्म हार्म फ्रेश होता है। उसके बाद है वार्म वार्म चार्म आर्क आर्क बार्क बार्क डार्क 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 मीन्स अंधेरा अंधेरा मतलब काला काला होता है ना उसको डार्क बोलेंगे ब्लैक मीन्स काला और डार्क मीन्स भी क्या होता है अंधेरा मतलब थोड़ा उसको और डार्क करो मतलब और काला करो और डार्क करो मतलब और काला कहीं पर देखना कोई फोटो बनता होता है कहता और डार्क करो ना मतलब और काला करो ना इसका मतलब और डार्क करो मतलब काला करो आप समझ गया बात। उसके बाद है ऐसा है हार्क लार्क इंड विंड लैंड मैंड सेंड सेंड मीन्स भेजना सेंड मीन्स भेजना अगर कहेंगे कि शर्ट तुम हमको सेंड कर देना मतलब भेजना बोलेंगे तुम पैसा सेंड कर देना उसका मतलब पैसा भेजना हम बोलेंगे तू दांत सेंड कर देना इसका मतलब दांत भेजना मतलब सिंपल समझा रहे हैं समझ गया बात बस समझ गया हम बोलेंगे कि तुम जो है कान में क्या पहना है कान वाला नथिया को क्या करना सेंड करना इसका मतलब समझ गया बात इंग्लिश में सेंड का मतलब क्या हुआ आप किसी को दिक्कत है इधर किसी को दिक्कत है चलो इसके बाद हो गया सेंड हो गया ईट बीट बीट मतलब पीटना बीट मीन्स बीट मीन्स किल होता है वो किल मीन्स मरना होता है मतलब उसको मर दिया तो किल हो गया वो अब बीट मिस हो गया पीटना खाली पीट दिया ऐसे करके ले 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 ये हो गया बीट क्या हो गया ये अब समझ गया ठीक आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हो गया सी सी है तो चीट फिट मीट ईयर ईयर बियर 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 इंक लिंक ड्रिंक ड्रिंक ब्रिंक श्रिंक आइस आइस नाइस नाइस पाइस पाइस माइस माइस डाइस डाइस इल इल हिल 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 मिल मिल बिल बिल समझ गया किसको दिक्कत है और किसको दिक्कत अब किसी को अगर आप लोग के भी बच्चे का ऐसा दिक्कत है तो आप लोग भी बच्चे को इस प्रकार से पढ़ाइए और बच्चे पर ऐसा प्रेस भी नहीं देना है
बस उसे अस्थिर से बारी बारी से स्लोपिंग धीरे धीरे उसको समझाइए, बच्चा समझ जाएगा। कोई भारी नहीं है दुनिया में, कोई भी काम भारी नहीं है, बस करने वाले पर डिपेंड करता है कि वह काम भारी हो रहा है कि करना चाहता है कि हौला करना चाहता है। जैसे कोई भी काम है, कोई आलसी आदमी है तो कहेगा पढ़ना बाप रे बहुत भारी है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल आसान है। बात समझ गया, बिल्कुल आसान है। इसीलिए कोई भी काम समझ लो भारी नहीं होता है। अगर तुम अगर करना चाहती हो, अगर तुम भी करना चाहती हो पढ़ना, तो तुम्हारे लिए भारी नहीं है। और जो नहीं करना चाहता उसके लिए भारी, उसके लिए क्या है, सीधा सी बात है। तो याद रखना, जिंदगी में काम कितना भी बड़ा होगा, बड़ा नहीं करने वालों के लिए छोटा है, करने वाले